हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट। सीधी बात नो बकवास। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप हिंदी टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सुपर फास्ट टाइपिंग करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कोई शॉपकीपर हैं, तो फास्ट टाइपिंग के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी वैकेंसी के लिए खुद का जो टाइपिंग स्पीड है वो आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग आना किसी भी वैकेंसी के लिए मस्ट हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है तो आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से सीधे इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे फ्री पीसी डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो फ़ायदे हैं मैं बता दूं कि ये बहुत ही फास्ट डाउनलोड होगा, ऑलवेज अवेलेबल रहता है और टेस्टेड वायरस फ्री वेबसाइट है ये। उसके बाद मैंने एक नोट भी बनाया है, इस नोट को भी आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आके डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस दोनों चीज़ों को डाउनलोड करें। ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करने के बाद आपको आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको सोनमा पे डबल क्लिक करना होगा और यस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इस पे आप क्लिक करें। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाता है। आपको ये बेसिकली जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हिंदी टाइपिंग के लिए, तो इंग्लिश भी आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको लिंक दे दूंगा, वो जो टाइपिंग मास्टर होगा बहुत ही कमाल का होगा। यहाँ पर आपने हिंदी वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको फर्स्ट नेम, आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं और लास्ट नेम दे सकते हैं। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक फिलअप है इसे भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लॉग इन करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, ड्यूरेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप ड्यूरेशन रखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके आप अपनी जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप बिगिनर हैं, आपने टाइपिंग सीखा नहीं है, तो यहाँ पर आप इसके लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है होम रो प्रैक्टिस पार्ट वन, इस पर क्लिक करके आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। अब आपको ये जो वर्डिंग है वो कैसे आपको सीखना है, इसके लिए भी मैंने एक नोट तैयार किया है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो एक पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। इस नोट में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीखने को मिल जाती हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है, किस बटन से कौन सा आपका जो वर्ड है हिंदी का वो आएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर में एक नंबर बटन है तो वहाँ पे एक ही आएगा इस तरीके से। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप क्यू दबाएंगे तो यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा, अगर डब्ल्यू दबाएंगे तो छोटी यू की मात्रा, और ई से एम, आर से ट, टी से ज, वाई से एल, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट कोड्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने आधा फ लिखना है तो अल्ट को प्रेस करके रखना है और आपने दो और जीरो दबाना है, तो वो जो शॉर्ट कोड है वो फास्ट जल्दी ही आपको ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, आधे अक्षर या फिर कुछ कुछ पूरे अक्षर, वो आप यहाँ से जल्दी टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस टाइपिंग ट्यूटर पे ही दिखाता हूँ। अगर आपने आधा फ लिखना है तो अल्ट दबा के रखना है और दो और जीरो दबाना है, देखिए फ आ गया। इसी तरीके से जो है आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे कीबोर्ड का जो लेआउट है वो भी दिया गया है, आपका जो कौन सा फिंगर है वो किस कीबोर्ड के बटन को कहाँ पर टच करेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इस नोट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर नेट स्पीड की बात करेंगे तो एक से लेकर अगर 14 तक आपकी स्पीड जाएगी तो आप पुअर में आएंगे, 15 से लेकर 19 तक जाएगी तो फेयर में, 20 और 29 के बीच में रहती है तो गुड, और 30 से ऊपर आप जाते हैं तो वेरी गुड, और 35 वर्ड पर मिनट में आपको एक्सलेंट का यहाँ पर देखने को मिलता है। पेपर मोड की बात करेंगे, प्रिंट टेस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है।
चलिए टाइपिंग जो यहाँ पे है, अब जैसे यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है तो आपने देख लेना है किस बटन से कौन सा वर्ड आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है क, तो डी से क आएगा, फिर एफ से छोटी की मात्रा आएगी और एच जी से हा आएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं शयसा लिखा गया है, ये भी कंटिन्यूसली दिया गया है। तो दूसरे हाथ से जो बटन दिए गए हैं वो भी कंटिन्यूसली दिए गए हैं। ये होम वाइज बटन है, होम रो की तरह से। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ से टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम इन इंडियन रेलवे जर्नी पे आप क्लिक करके इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे टाइम का जो ड्यूरेशन है उसे भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको हल्का सा यहाँ पे टाइप किया, जो गलती है वहाँ पे रेड लाइन मारता है ताकि आपको पता चलता है कि आपकी जो टाइपिंग है वो गलत हो रही है। अब यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।